नमस्कार, जुर्म की आवाज न्यूज चैनल में आपनू स्वागत छे। बात करिए समाचार में। सुरेंद्रनगर शहर की मध्य में महालक्ष्मी टॉकीज नी सामे रहेणाक विस्तार में काफे नी आड में शुरू करवामां आवेला हुका बार में हुका अने दारू नी महफिल पर पोलीसे दरोड़ो करी अमदावाद, गांधीनगर अने सुरेंद्रनगर ना कुल 15 युवकों ने झड़पी लईने कायदेसर नी कार्यवाही हाथ धरी हती। सुरेंद्रनगर महालक्ष्मी टॉकीज नी सामे रहेणाक विस्तार में गांधीनगर रहता ऋत्विक राजूजी डाभी द्वारा चांदनी काफे शुरू करवामां आव्युं हतुं। आ काफे में हुक्का अने दारूनी महफिल चालती होवानी बातमीना आधारे सुरेंद्रनगर सिटी ए डिविजन पोलीसनी टीमे दरोड़ा करी दारू अने हुक्कानी महफिल में भंग पाड्यो हतो अने दारू तेमज हुक्काना नशा में चकचूर बनेला कुल 15 युवानोने पोलीसे झड़पी लीधा हता। पोलीसना हाथे झड़पायेला आ 15 शख्सोनी पूछपरछ करता अमदावाद, गांधीनगर अने पाटड़ी पंथकना रहेवासी होवानी विगतो बहार आवी हती। पोलीस काफेमांथी दारू भरेली बॉटल, काचना ग्लास, नानी अने मोटी साइजना हुक्का, बे कार तेमज 3 बाइक सहित कुल रुपया 15.61 लाखनो मुद्दामाल कब्जे करी तमाम शख्सो विरुद्ध प्रोबिशन अंगेनो केस नोंधी वधु पूछपरछ हाथ धरी हती। आ रेड दरमियान जिला पोलीस वड़ा हरीशभाई दुधात तथा PIUL वाघेलानी सूचनाथी ए डिविजन डी स्टाफना धनराजसिंह वाघेला, सुरेशभाई, हमीरभाई, कांतिभाई, मुकेशभाई सहितनाओए सफल कामगिरी करी हती। सुरेंद्रनगर जिल्लाना सुरेंद्रनगर शहेरमां सिटी ए डिविजन पोलीस स्टेशन विस्तारमां गईकाल तारीख 24/4/2022 रोज सिटी ए डिविजनना PI तथा तेमना स्टाफने चोक्कस बातमी मळेल के महालक्ष्मी टॉकीजनी सामे एक मकानमां ऊपर चांदनी काफे करीने गईकाले ज एक जग्या ओपन करेली हती, ओपनिंग हतुं। अने आ ऋत्विकभाई जीजूभाई डाभी करीने के जेओ गांधीनगर रहे छे तेमनी पोतानी कब्जानी हवालानी पोतानी आ ऑफिस होय એમાં એને ચાંદની કાફે કરીને એક ઓફિસનું ઉદઘાટન કરેલું હતું। પોલીસને ચોક્કસ બાતમી મળી કે રાતના સમયે ત્યાં ગાંધીનગર, અમદાવાદ, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના પાટડી તથા સુરેન્દ્રનગર ટાઉનમાંથી થઈ અને 15 વ્યક્તિઓ કેફી પીણું પીવાનો, ઇંગ્લિશ દારૂ તેમજ હુકાનો અત્યારના કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યો છે। આ લોકો અલગ અલગ વિસ્તારમાંથી આવેલા હોય, ઓપનિંગ માટે આવેલા હોય, પરંતુ દારૂની પાર્ટી રાખેલી એવી ચોક્કસ બાતમીના આધારે સિટી એ ડિવિઝન વિસ્તારના PI તથા તેમના સ્ટાફે ત્યાં રેડ પાડી અને 15 કિસમોને પકડી લીધેલ છે। તેમની સામે પ્રોહિબિશન એક્ટનો તથા અન્ય કલમો મુજબનો ગુનો દાખલ કરી અને આગળ કાર્યવાહી ચાલુ છે।